50 शेड्स ऑफ ग्रे को कट के बावजूद सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने से मना कर दिया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कोई रेटिंग नहीं दी। कामासूत्रों को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन फिल्म को 2 मिनट के कट के बाद रिलीज किया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म अनफ्रीडम को किसी भी तरह से रेटिंग देने से इनकार कर दिया। फिल्म को राज अमित कौर ने डायरेक्ट किया था। सेंसर बोर्ड ने अमित को कहा कि फिल्म के रिलीज होने के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क सकते हैं। द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू को इसलिए बैन किया गया क्योंकि फिल्म में रेप और टॉर्चर के सीन बहुत ज्यादा थे। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज करने के लिए कुछ सीन हटाने को कहा, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने इससे इनकार कर दिया। फायर लेस्बियन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्म थी। फिल्म को रिलीज होने के बाद रोकना पड़ा और सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। सेंसर बोर्ड ने बाद में बिना किसी कट के फिल्म को रिलीज किया। फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास ने लेस्बियन महिला का किरदार निभाया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।